देखी जी अच्छी है। अच्छा तो बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सी बड़ी और फ्रेम करवा कर इनके कमरे में रखनी चाहिए? जी बताओ। सारी बहुत अच्छी है। कम ऑन छना, कोई एक सिलेक्ट करो ना। अच्छा वोट कर ले। लाल तुम बताओ। मुझे तो वो सबसे ऊपर वाली जो जना के हाथ में है ये। हाँ, दिस वन। हाँ, लुक हाउ अडोरेबल वी लुक। अरे उसके वो नीचे वाली ना वो भी बहुत अच्छी है, वो भी एक बार देख लो। वैसे तुम बताओ तुम्हें कौन सी पसंद आई है? अरे दादा अभी दादा आप भी ना इधर से कहाँ थे? यहाँ फोटो सिलेक्ट कर रहे हैं हम सब लोग और आप। अरे झनक अनी को फोटो दिखाओ दिखाओ ना। अनी ये देखो झनक ने तुम्हारे लिए ये फोटो सिलेक्ट की है। मैं हूँ स्टैंडिंग के बाद नहीं ना नहीं एक्चुअली झनक ने तुम्हारे लिए ये फोटो सिलेक्ट की है तुम्हारे कमरे में। सिलेक्ट नहीं किया ये सारी अच्छी है। अनी देखो ना इतनी सारी फोटोज हैं, कुछ हम मॉम के घर पे रखेंगे कुछ यहाँ रखेंगे और जो तुम्हें पसंद है उसे हम फ्रेम करवाएंगे। अर्शी तुम देख लो मैं क्या बोलूंगा। अरे क्या मतलब है फोटोज तुम्हारी है तुम्हारे कमरे में लगनी है। हाँ तुम्हारी भी तो चॉइस है ना, देखो और डिसाइड करो। मुझे लग रहा है अनी शर्मा रहा है। अरे क्या पॉइंट है शर्माने का इसमें? अच्छा बहुत हो गया हंसी मजाक, अब सिलेक्ट करो। अच्छा ठीक है तुम कह रही हो ना तो ये वाली अच्छी है। वाओ जनक को भी यही पसंद आई थी। मुझे भी व्हाट ठीक है फिर जीजा जी और साली को पसंद है ये और विभाषा भाभी को भी तो इसी को फ्रेम करवा ले। फाइनल हो गया। बहु भात के बाद से ही ये फोटो अनी और अर्शी के रूम में लगा देंगे। ऐसे जनक नाइस चॉइस। ओके तो अभी डिसाइड बहु भात के दिन से ही ये फोटो फ्रेम करवा कर अर्शी और अनी के रूम में लगवा सकते। वैसे जनक नाइस चॉइस। कुछ तो गलत था।